बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैर खरिया से होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जो बहन भाई इस मुल्क में हैं, इस मुल्क से बाहर हैं, अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे और उनकी परेशानियाँ दूर करें। अल्लाह ताला उनकी जो दिली मुरादें वो भी पूरी करें। और जो आज वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर भी करें। जो जो बहन भाई मेरे चैनल को देखते हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। तो लाल रंग का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज जो है मैंने आपको बताया था, तीन दिन मैंने मेरा खावन जो है 3 दिन हॉस्पिटल में दाखिल किया हुआ था। जो मैंने आपको बताया था कि नालियाँ उनकी उतारी हैं, वो सही नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो नालियाँ जो हैं वो दोबारा लगा दी हैं। तो उन्होंने जो हॉस्पिटल वालों ने 3 दिन रखा था तो इनकी तबीयत ठीक नहीं हुई, दोबारा उन्होंने PCN किया इनका। तो PCN करके उन्होंने छुट्टी दे दी। तो आज हम घर आए हैं, तो घर ले आए हैं, बहुत सारा काम था, मैंने कपड़े भी धोए हैं आज। आप जो है दुआ करें, आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी की भी तबीयत ठीक है तो आप मेरी अम्मी के लिए भी दुआ करें और मेरे खान के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे और हम तो बहुत दुआ करते हैं, क्या करें, सब बहन भाई जो हैं वो दुआएं देते हैं, दे सकते हैं और तो कुछ नहीं ना कर सकते। तो अब जो है मैं आज घर आई हूँ, बहुत सारा काम था, मैंने कपड़े धोए हैं। बच्चियों ने कहा है कि हमारा दिल है हमें जो है कड़ी बना के दें, क्यों बच्चियों ने कहा है हमें आज बना दें कड़ी पकोड़ा। तो मेरी जो कड़ी होती है वो बहुत ही मज़ेदार है, मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया था, मैं कड़ी बहुत ही मज़ेदार बनाती हूँ। तो आए अब चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी रेसिपी जैसे मैं बनाती हूँ, मैं आज बना रही हूँ कड़ी। तो अब जितने बहनें भी मेरी वीडियोज़ देखती होंगी, कड़ी बनाती होंगी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है मेरी वाली रेसिपी। तो आए अब चलते हैं किचन में। तो अब ये देखें मैंने ये कड़ी की चीज़ें बनाई हुई हैं, ये पकोड़ों के लिए है और ये आलू उबली है। ये देखें मैंने दही जो है ना उसमें बेसन में मिक्स कर दिया है और तो आए अब चलते हैं कड़ी की तरफ। कड़ी जो है वो बनती है 2 किस्म की, बहुत से ऐसे बनाती है ना उनमें दही में चीज़ें डाल देती है, तो मैं जो हूँ साला बनाती हूँ आपकी प्याज डाल करके, जैसे सालन बनाती हूँ मैं वैसे ही कड़ी बनाती हूँ। जो है फ्राई हो चुके हैं प्याज, ये देखें अब जो है टमाटर डाल रही हूँ। तो ये देखें अब प्याज जो है फ्राई हो चुके हैं, अब मैं डाल रही हूँ टमाटर। ऐसे भी कड़ी जो है वो बहुत मज़ेदार है। और ये देखें टमाटर जो है अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब मैं डाल रही हूँ इसमें मसाले। अब देखें ये मसाला जो है मैंने डाल दिया, थोड़ा सा भून लिया। अब डाल रही हूँ इसमें ये आलू इमली। आलू इमली से जो है कड़ी बहुत मज़ेदार बनती है, खट्टी खट्टी। Thank you.
तो अब ये देखें मैंने मसाला जो है भून लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें जो मैंने ये बेसन वाली दही और बेसन बनाया है, बिस्मिल्लाह। तो अब इसे भूनते हुए तकरीबन तकरीबन 1.5-2 घंटे लगेंगे, क्योंकि चम्मच जो है वो तकरीबन आधा पौना घंटा ही लाना पड़ता है, क्योंकि नीचे जो है ना वो लग जाता है ना, बेसन लग जाता है नीचे। डेढ़ दो घंटे में ये मेरी कढ़ी जो है वो तैयार होगी। अब देखिए शक्ल से कैसे लग रही है, मसाला भुना हुआ है। तो अब ये देखें कढ़ी मेरी बन रही है। तो अब मैं साथ साथ बना लूँ पकौड़ों का सामान। अब मैं बना रही हूँ पकौड़ियों का मसाला, ये देखें। आज से ना फिर जो हरी मिर्चें होती हैं, लाल मिर्चें होती हैं, ये जलन हो जाती है आग को, फिर तो चम्मच से मैं बना लेती हूँ। ये देखिए कितने मज़े के मसाले बन गए। ये बड़ी बड़ी मिर्चें मेरी बेटियों ने डाली, इनको शौक है ना, ये जब पकौड़ा में बनेंगे तो फिर निकाल के खा लेंगी ऐसे ही। अब ये देखें तो अब ये देखें काफी टाइम हो चुका है। आप देखें ये मज़ेदार गाढ़ी गाढ़ी हो चुकी है, ये देखें। अब मेरी जो कढ़ी है ये तैयार होने वाली है। देखनी है कटोरी दो दिखाओ। तो अब ये रहे टेस्ट करें, बताएं अब कैसी है। ठंडी तो होने दो, कैसी बन रही है। अच्छी बन रही, अच्छी बन रही, अच्छी बन रही। कितनी देर है, भूख लगी है। बस बताओ बाजी। अचार दिया अपना, एक मिनट हमें। तो अब ये देखे मेरी कड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। मेरी कढ़ी जो है, मेरे हाथ की कढ़ी बहुत ही मज़ेदार है, उधर गांव में मशहूर है। मेरे ससुराल वालों को भी मेरी कढ़ी जो है वो पसंद है, हमसाइयों को भी मेरी कढ़ी पसंद है। वहाँ पे कोई भी इतनी मज़ेदार कढ़ी नहीं बनाता जैसे मैं बनाती हूँ, माशाल्लाह। तो अब ये देखें अब मैं शुरू करूँगी पकौड़े।
मेरे खामद ने कभी कड़ी खाई नहीं थी, अब मैं बनाती हूँ तो खा लेते वरना पहले कहते थे मैं कड़ी नहीं खाता, मुझे नहीं पसंद। जब मैंने बनाई कड़ी मेरे हाथ की कड़ी पसंद आई। मैंने दादी अम्मा तो अच्छी बनाती थी फिर भी नहीं खाते थे, इन्हें कड़ी पसंद ही नहीं थी। जब से उन्होंने मेरे हाथ की कड़ी खाई है तो पसंद। मेरी फूफियाँ भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। अच्छी कुकिंग नहीं, सरासर झूठ। हाँ अच्छी कड़ी बनाती हैं। नहीं अम्मी की हाथ की अच्छी लगती है तो खुद भी अच्छी बनाती हैं। जब हम गांव में रहते थे ना वहाँ पे मैं बनाती हूँ ना कड़ी तो मैं सबके घर देती हूँ। कितना देश का बताएं ना, कितना बड़ा, इतना बड़ा देश का। जब भी मैं वहाँ पे कड़ी बनाती थी तो सबको देती हूँ, मुझे खुद भी अच्छा लगता है कड़ी बना के सबको देना। इतना बड़ा देगचा बना लेती हूँ सबके घर, जो देवरानी है। चलो फिर इधर भी देना सबके घर। हम दे हैं उनके घर। अम्मा इधर कहाँ है, किसको देंगी? इधर तो बस एक कजन रहती है। इधर तो एक कजन है जिसको हम ले आएंगे, देंगी भतीजी हैं उनके घर भिजवाऊंगी। मैंने आज बुलाया है कजन को के कड़ी खा लो दावत पे। भतीजा कड़ी की दावत हो रही है आज हमारे घर, जितने खानी है आ जाए। कड़ी की दावत हमसाई है साथ, बहुत अच्छी मेरी कड़ी की दावत होती है। घर भिजवाऊंगी कड़ा, क्योंकि वहाँ पे मेरी दो बहनें बन गई हैं मेरे खामद को वो पूछने के लिए आती हैं। कहाँ पे? यहाँ साथ घर में। अच्छा आपने कभी पकौड़े अगर मेरी बहन जो है वो तो कराची में है ना, तो मेरी अम्मी भी कड़ी बहुत मजे की बनाती थी। अम्मी ने तो सिखाया है मुझे, मुझे भी मेरी अम्मी सिखा रही है। लीजिए आप। ये कौन आ गई है घूंघट निकाल के? ये बोलो करने आई है लोग मेरे हाथ। नहीं नहीं पकोड़े ऐसे बनाते हैं, इतना मसाला डालते हैं। थोड़े से बड़े हो ना। नहीं मैंने देखा था ये किसी के घर दे हो तो ये छोटे छोटे आलू कम पड़ गए। नहीं नहीं सही है। मैं गई थी पकोड़े वाले शॉप पे, एक जैसे बेकरी होती है पाए बना रहे होते हैं ना पकौड़े, तो इतना सा लेते थे थोड़ा सा नजर आया है कोई इशारा तो। चलो क्या मैं आपको अब ये देखिए बना के तो गरम गरम जैसे ही डाल दूंगी। अब ये देखिए मेरी कड़ी जो है पकौड़े मैंने बना ली है, तो अब मैं तड़का लगा रही हूँ कड़ी पत्ते का और जीरे का। कड़ी पत्ता जो होता है ना ये सब्ज भी होता है और सूखा भी। मैंने सब्ज मंगाया वो नहीं मिला, फिर मैंने ये ले लिया। ये देखे अब ये देखे ये मेरी मज़ेदार कड़ी हो गई है तैयार। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अब जो है मेरी कड़ी तैयार हो चुकी है, कमेंट में बताइएगा। और इंशाल्लाह कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल कीजिए।